अमीनपुर में इनहिदामी कार्रवाई, कमिश्नर हाइड्रा और जिले कलेक्टर संगारेड्डी को हाईकोर्ट का नोटिस। जी हां नाज़रीन, तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने महकमे रेवेन्यू के ओहदेदारों और पुलिस को अमीनपुर में 22 सितंबर को की गई इनहिदामी कार्रवाई के सिलसिले में नोटिस जारी की है। अदालत ने जवाब दहिंदगान में हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड ईस्टेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा, कमिश्नर एवी रंगनाथ संगारेड्डी, कलेक्टर वेल्लूरी क्रांतियल अमीनपुर, तहसीलदार राधा पटेनचेरू, डीएसपी रविंद्र रेड्डी, हैदरा डीएसपी श्रीनिवास, हैदरा एसआई मोहन, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर पापा रेड्डी राव और दीगर शामिल हैं। शिकायत कुनिंदा ने कहा कि अमीनपुर तहसीलदार ने 21 सितंबर को शाम 6 बजे जुबानी अहकाम जारी किया और अहलकारों ने 22 सितंबर इतवार के रोज सुबह 7 बजे कानून के मुताबिक अमल किए बगैर और हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा के बगैर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। अराजी संगारेड्डी जिले के अमीनपुर मंडल के पटेल गौड़ गाँव में सर्वे नंबर 6 में वाक़ है। अदालत इस दरख्वास्त की समाअत 15 अक्टूबर को करेगी। रेवेन्यू ने शहर में शंकर नगर, विनायक वेधी, रसूलपुरा, मूसा नगर और चादर घाट हल्के के दिगर इलाकों में मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए निशान जदा ढांचों को मुनहदिम कर दिया।